हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो हमारी ख़त्म होने जा रही हैं। 25 अगस्त यानी कि कल सुबह आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, राइट? तो आप कहेंगे सर अभी क्यों आपने वीडियो बनाया, क्या आप जले पे नमक छिड़कने वाले हैं? तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, ऐसा कुछ तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कभी ना कभी स्टूडेंट हुआ करता था और मैं भी आपसे मतलब रिजल्ट के पहले दिन जो है मैं डिस्टर्ब रहता था कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, टीचर से मिलूं कि नहीं मिलूं वगैरह वगैरह, ठीक है? तो बेसिकली मैं यहां सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहने आया हूं कि मैं हर एक चीज में हर एक सिचुएशन में आपके साथ में हूं। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये दुआ करता हूं आज जन्माष्टमी के दिन पे कि आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत ही प्यारा आए, आप सभी के सभी लोग अपने जिस भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट आपने जो दिया होगा, जो ग्रुप के लिए आपने दिया होगा उसमें आप पास हो जाएं, जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा सीएस बनने के लिए वो लोग सीएस बन जाएं, नाम के सामने आपके प्रीफिक्स जो है वो लग जाए और ये जो जून दिसंबर का नाटक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बराबर है? लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये एक मैसेज कुछ लोगों को देना जरूरी है जो शायद 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 अगेन मैं बहुत ही भारी मन से ये बात कहूंगा और मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, बट हाँ मुझे ये लगता है कि हाँ इस चीज के बारे में पहले ही क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। वो क्या है बेटा कि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर अगर लाख बच्चे होंगे, 1 लाख बच्चे होंगे तो सारे के सारे पास होने वाले नहीं है, सारे के सारे पास होने वाले नहीं है, ये हम जानते हैं, बराबर है? तो बेटा सबसे पहली बात मैं ये दुआ करता हूं हाथ जोड़ के भगवान से कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने की पूरी मेहनत से लगन से अपने एग्जाम दिए थे वो सारे के सारे लोग अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में पास हो जाए, बराबर है? लेकिन हाँ जो बच्चे कल के एग्जाम में पास नहीं होने वाले हैं उन सभी बच्चों को मैं यहां एक सिंपल सी बात कहने वाला हूं कि बेटा फेलियर जो है वो सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। कहते हैं ना कई बार कि फेलियर इज अ की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस, बराबर है? तो फेलियर हो गए, फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत कुछ होता है सर। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी होगी, आपने क्या बोलते हैं जो डेडिकेशन है वो नहीं दिया होगा, बहुत कुछ कारण हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद इस अटेम्प्ट में आप पास नहीं हो पाए, बराबर है? अगर अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन अगर कल के एग्जाम में आपका सॉरी कल के रिजल्ट में अगर हमारे साथ में बुरा होता है तो हम इस चीज को दिल पे लगा के बैठ नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे। यू आर अ फाइटर, ये चीज आपको समझना जरूरी है। अभी तो जिंदगी में आपको बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयां जो है वो लड़नी है, अपने करियर को लेके, अपने परिवार को लेके, हर चीज को लेके, बराबर है? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कल का जो दिन है उस दिन आप प्लीज अपने आप को तोड़िएगा मत, अपने आप को डीमोटिवेटेड मत कीजिएगा और एक पॉजिटिव होप जो है वो अपने अंदर में रखिएगा और अपने आप को ये भरोसा दिलाइएगा कि मैं आने वाले अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके मैं अपना रिजल्ट जो है वो दुगने अच्छे मार्क्स से लेके आऊंगा, बराबर है? और ये अगेन मैं मैसेज देना चाहता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि हर बार की तरह मैंने कोशिश हर बार करी है, हर बार मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको अमेंडमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करूं, आपके जो अलग अलग टाइप के डाउट्स वगैरह हैं उन सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूं और हर चीज में मैं आपके साथ में रहूं, ये मैंने कोशिश करी है और पीछे भी मैंने ये चीजें करी है, आगे भी मैं ये आपको वादा करता हूं, पूरे दिल से मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपका जो भी रिजल्ट रहेगा, आपकी जो भी प्रिपरेशन रहेगी अगले अटेम्प्ट के लिए, अगले सब्जेक्ट के लिए, अगले जो भी चीजें हैं उनके लिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। और कल से ही हम प्रिपरेशन जो है वो करना शुरू कर देंगे, बाकायदा पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है वो हम यहां पे बनाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास में आपके लिए काफी अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी न्यूज भी है, अनाउंसमेंट वगैरह भी है जो कि कल मैं आपके सामने करने वाला हूं। एंड आई बिलीव कि बींग अ ह्यूमन मुझे वो सब चीजें करनी चाहिए, बराबर है? खैर उनकी बातें तो हम कल ही करेंगे, आज मैं वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि आज का मेरा मैसेज क्या है। आज का मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज प्लीज दिमाग पे आप स्ट्रेस लेके नहीं रहेंगे,
सिंपल तरीके से काम रहिए, जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, सबसे पहले हम यही सोच के चलते हैं, ठीक है, और आप पास होने वाले हैं। ये मैं भी भगवान से दुआ करूंगा, आज शाम को ही मैं मंदिर में जाऊंगा और ये मैं दुआ करूंगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे पास हो जाए। ये पूरी सीएस फ्रेटर्निटी के जो बच्चे हैं उनमें से जिन जिन बच्चों ने अपनी मेहनत करी थी, जिन लोगों ने ऐसी टाइम पास में जाके एग्जाम दे के आया था, नहीं मैं उनके लिए प्रे नहीं करने वाला हूं, बराबर, बट जिन्होंने सही में ईमानदारी से मेहनत करी थी, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी के सभी बच्चे पास हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हिम्मत नहीं हारेंगे बेटा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बराबर है। अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, मैं क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, बराबर है। तो प्लीज ये मैसेज को आप अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, और मिलते हैं कल रिजल्ट के बाद में। सुबह 11 बजे सीएस प्रोफेशनल के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आने वाला है, और शाम को या दोपहर बोल दीजिए, दोपहर को 2 बजे सीएस एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आने वाला है। सो मेरी और मेरी पूरी की पूरी टीम जो है उनकी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, एंड साथ ही साथ जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाइयां। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।